फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7 इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 दैट इज डेटेड फॉर 21st of August। छात्रों, आपकी इस वीक से असेसमेंट वर्कशीट आ रही हैं, तो सैटरडे के लिए यानी शनिवार के दिन के लिए आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। इंग्लिश की वर्कशीट इंग्लिश में ही होती है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इसे हिंदी में भी हम ट्रांसलेट कर देंगे और इंग्लिश में भी इसका आंसर समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सूचना क्या है, दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स। स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस वीक्स में यानी पिछले वीक्स में जो आप काम कर रहे हैं उसी के आधार पर यह वर्कशीट है, यानी उसी के आधार पर जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसीलिए आप अब से आपको जो आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि आपकी जो प्रीवियस वीक्स की आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि इट कंटेन्स 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, इसमें 10 मल्टीपल टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन है और सबकी 1 मार्क यानी 10 मार्क के हैं, और ये जो मार्क है यही आपके परफॉर्मेंस बताएंगे। इसी इस असेसमेंट आपका ये नोट होगा और इसी हिसाब से आगे की आपकी अगर जो जो रिपोर्ट होगी उस पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद द पेन और पेंसिल। हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन के सामने एक एक सर्कल है, जो ऑप्शन सही होगा उसके सामने के सर्कल को आपको काला करना है पेंसिल से। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ही टू मार्केट एवरी संडे। अब देखिए, आपने टेंस पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब ही सी ईट के साथ एस या ई एस लग जाता है तो यहाँ क्या लगेगा, गोज। ही goes फर्स्ट हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, फर्स्ट का goes, इसे आप काला करेंगे। सुमन एंड रीता आर फ्रेंड, क्योंकि दोनों प्लूरल हो गए तो आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है और आर का प्लूरल के साथ होता है, यानी जहाँ पे दो वजन से दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर। तो आप इस गोले को सर्कल करेंगे। थर्ड है, डू यू लाइक हर, तो यू के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और इनका कैसे प्रयोग होता है इसकी वर्कशीट हमने बनाई हुई है। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की पूरी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ जाइए और टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल से देख के आप इसको कर सकते हैं। रीमा, लास्ट ईयर यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग होता है तो यहाँ वाज होगा, क्योंकि रीमा सिंगुलर है तो रीमा वाज। तो वाज के सामने वाले इस गोले को आप क्या करेंगे, ऐसे 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 डार्क करेंगे। दे वर प्लेइंग, चूँकि पास्ट कंटिन्यूअस में वर लगता है चूँकि दे प्लूरल है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, आप यहाँ पे इसको गोला करेंगे। सिक्स्थ है, आर दे गुड फ्रेंड, तो यहाँ लगेगा आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दे प्लूरल है और दे के साथ आर का यूज होता है, तो आप इसे डार्क करेंगे। स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज डू नॉट लाइक,
डज होगा, तो नीरज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, तो आप इसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे डज। हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। अब देखिए, आपने आपका चैप्टर है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन से रिलेटेड 2 वर्कशीट आपने पढ़ ली है, तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन द एवरीथिंग, यानी हर काम को करने का सबसे अच्छा समय क्या है, कौन इसके बारे में जानना चाहता था। मिनिस्टर नो, द किंग यस, तो बी उसका आंसर सही, बी के ये वाला जो गोला है इसे आप डार्क करेंगे। 9th क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए क्या रिवार्ड थे, सम गोल्ड नो, सम सिल्वर नो, लैंड ओन्ड बाय द किंग नो, नो रिवार्ड, तो नो रिवार्ड भी नहीं था, रिवार्ड था। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे उसने क्या था, मनी की बात की है चैप्टर में, पर मनी यहाँ पे नहीं है, तो आप इसका उत्तर गोल्ड दे सकते हैं, तो आपका ए सही होगा। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स, प्रोक्लेम मीन्स तथा घोषणा करना, अनाउंसमेंट मेड बाय द किंग, प्रेज, फेल एंड कर्स, तो 10th का फर्स्ट सही होगा, तो इस गोले को आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो हमने वर्कशीट की थी उसी बेस पे पूरी वर्कशीट्स हैं, तो आप अब से आपकी इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी मैथ की जितनी वर्कशीट हैं सारी करिए, और अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे आएंगे, वहाँ आपको इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की और SST की 4 सब्जेक्ट की वर्कशीट मिल जाएंगी। आप इन्हें करके अपने क्लास टीचर को लगातार शेयर करें, और इसके साथ ही साथ आप करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको अपना जो एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, पहली बार आए थे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग इसे देख के अपना काम पूरा कर सके, अपनी वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट कर सके। थैंक यू।